तो दूर किसी कोने में जाके छुप जाओ क्या? हाँ, डर गया था मैं इस जालिम दुनिया से, उनके तौर तरीकों से और अपने इन आदतों से। कब तक सहता रहूं मैं ये दर्द? पहाड़ों में चले जाओ, क्या पता तुम्हें अपने जवाब मिल जाए। अरे भैया, हर हिमाचल की ट्रिप उस वजह से शुरू नहीं होती कि पहाड़ों में चले जाओ जवाब मिल जाएंगे। कॉलेज का फिफ्थ सेमेस्टर मेरा बड़ा बकवास सा गया था, मेरा ग्रेड्स, टाइम, दोस्त, बंदी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। पर बंदी कहाँ से आ गई? कुछ भी। खैर, तो दिसंबर में एक महीने छुट्टी थी और अपना फैमिली ट्रिप भी पेंडिंग था, तो इसमें अब और क्या दिमाग लगाऊं? मुझे चाहिए थे जवाब, तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट। लगाओ हेडफोन मस्त बढ़िया और अगले 10 मिनट तक भूल जाओ सब कुछ। चलो मेरे साथ टू द लैंड ऑफ आंसर्स, टू द माउंटेन्स। वेलकम टू हिमाचल। We'll stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste this. दिसंबर 2022, ठंडी बहुत पड़ रखी है यार शिमला में, अब तो फट रही है भाई मनाली में, क्या हाल होगा। ऐसे मम्मी पापा को मैंने ही बोला था कि अभी मनाली वगैरह गए नहीं है तो चलते हैं इस बार, मम्मी ने ही बोला ठीक है, तो दिसंबर में मनाली। वेलकम भाई, वेलकम। तो हाँ जी, आज था हमारा पहला दिन शिमला में और ठंड का अंदाज़ा धीरे धीरे लगने लग गया था कि बाबू मोशाई, ये अपना कोलकाता वाला गर्मी का जो हैबिट है ना, इधर थोड़ा भारी पड़ने वाला है। एनीवेज, तो आज का हमारा प्लान बड़ा सिंपल सा था। थ्रू दीज ब्रेथ टेकिंग व्यूज वी वर ऑल सेट टू एक्सप्लोर शिमला। दैट्स इट। हेलो जी, क्या हाल? अभी कुर्फी बोल के एक जगह है, ये शिमला से शायद से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग अभी वहाँ पर है। आज सुबह के अभी कुछ 12 तो नहीं भाई, 11:30 बज चुके हैं और अभी डिसेंट चल रहा है हम लोग का। एक तो ऊपर गाड़ी रुक जाती है, यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क है। खैर, कॉलेज में मुझे बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट मिल रहा है तो मुझे और इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट नेवर माइंड। ये कुफरी शिमला का लास्ट विलेज रहता है, अप्रॉक्स 11,500 फीट की पर फादू गली के नाम से। ओके भाई, यहाँ के रास्ते बड़े स्टीप है तो मेरी थोड़ी सी फट रही है, बट मैं गिरूंगा नहीं, टेंशन मत लो, कॉलेज ने मुझे बहुत गिरा दिया है। कुफरी विलेज ये है जहाँ पर ऊपर साइट सीइंग लोकेशंस है जिनमें हमें इन घोड़ों के द्वारा जाना पड़ता है। So, शिमला अगर जा रहे हो तो यही एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट है कुफरी, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, आपको ढेर सारे लोग, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, मूंगफली, कुछ हिमालयन यॉक और ये फ्लफ बॉल जैसे प्यारे पहाड़ी कुत्ते देखने को मिलेंगे। और हाँ, साथ ही में लेफ्ट राइट मुड़ो तो यहाँ ढेर सारे खूबसूरत नज़ारे तो है ही। तो मैं मस्त एकदम ठंड के बीच में अपनी गर्मा गर्म मैगी खा ही रहा था कि मुझे पीछे से कुछ आवाजें आती है, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। हम आए हुए थे कुर्फी में यहाँ पर, और रुको कैमरा का थोड़ा इधर उधर हो गया, बट कोई नहीं। तो मैगी वैगी पेल रहे थे और पेलने के बाद कोई तो नाम पुकार रहा है, मेरे को भाई मेरा नाम थोड़ी हुआ आकाश अकेला, बट यहाँ पर भाई थोड़ा सा पेल सीन हो गया है। भाई साहब तो काफी क्रेजी हो गया भाई, अभी इंडिया में जहाँ पे जा रहे लोग मिल जा रहे।
भाई मतलब तुम सोच रहे हो घर से 2,500 किलोमीटर दूर किसी जगह और वो भी इंडियास लास्ट विलेज में अगर लोग तुम्हें पहचान पा रहे और वो भी तुम्हारे काम के बदौलत, इसका मतलब इन वीडियोस और इन कहानियों के जरिए कुछ बदलाव तो ला पा रहा हूँ मैं लोगों के अंदर ताकि वो याद रख रहे। वैसे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ पर आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू जो यहाँ बैठा मेरे काम को देखता है। एंड ऑनेस्टली दिस काइंड ऑफ वीडियोज टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक आर थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर्स ऑल्सो दीज आर मेड पॉसिबल। अब यार इफ थिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट और अच्छे क्वालिटी स्टडी मटेरियल ढूंढना मुश्किल हो रहा है देन यू कैन फाइंड देम ऑन इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य द पार्टनर फॉर दिस वीडियो। मोर ऑन दैट लेटर पर यू नो हाउ बिग ऑफ अ क्रिकेट एंड फिल्म मेकिंग फैन आई एम एंड देयर टीम टोल्ड मी कि दे हैव कोलैबोरेटेड विद रोहित शर्मा फॉर देयर कैंपेन। तो मैंने बोला बॉस ये तो मुझे अपने वीडियो में लाना है प्लीज। मेरा रोहित बदल गया है यार। That day, I was discussing field playing. Well played, boys. और बैटिंग में तो रोहित रोहित कहता है कितना अच्छा होता अगर ये मीटिंग्स डिस्कशंस हम घर से कर पाते। दिन में प्रैक्टिस शाम को एनालिसिस। घर से कैसे? जैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है ना लाइव क्लासेस इन्फिनिटी लर्न पे। 200 बच्चे एक साथ लाइव क्लास में। सर मैक्सिमम 40 बच्चे और सबको इंडिविजुअल अटेंशन। फेस टू फेस वाला फील ऑनलाइन क्लास में आ सकता है क्या? आ सकता है। और लाइव क्लास ही क्यों कोच? AI ड्रिवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेल्फ लर्न मॉड्यूल्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और भी बहुत कुछ। करो सक्सेस की प्रिपरेशन विद इंफिनिटी लर्न। So yeah, I mean you get the message but the lighting and the storyline for this ad film. Also, you get a chance to win merchandise signed by Rohit bhai himself. Just go down the link in description, click the link and answer a very simple question in the contest. Thank me later but for now, शाम ढल चुकी है और हम वापस शिमला घुसने वाले। यार मेरे हाथ अभी बहुत जोर से कांप रहे हैं और ठंडी बहुत हो रखी है इधर बट दिस इज मैजिक ब्रो लाइक आई दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल डूड। मैं बता नहीं सकता नीदर कैन माई कैमरा कैप्चर द रॉ ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। मतलब ऑल दीज थिंग्स मतलब जो भी घर बने हुए यहाँ से जो लाइट्स निकल रहे हैं एंड दैट सनसेट ब्रो व्हाट इज दिस ब्यूटी यार। नमस्ते जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला के मॉल रोड। शिमला मॉल रोड में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पर आपको ऊपर जाने के लिए यू हैव टू बोर्ड अ लिफ्ट। समझ रहे हो भाई दुबई से टक्कर देने वाले हम लोग। तो अगली सुबह शिमला को अलविदा कहते हुए हम चल पड़े मनाली की ओर। कहा जाता है कि अरसों पहले जब किसी बाढ़ में लॉर्ड मानु और कई सारे अदर गॉड्स फंस गए थे विष्णु जी के 7वें अवतार ने उन्हें मदद करी थी और मानु को अपना रेफ्यूज मनाली में मिला। तो अगर थोड़ा ध्यान से आप सुनोगे तो मनाली का नाम आता है मानु अलाया से अर्थात मानु का घर। भैया जी अभी भी मनाली बहुत दूर है यार। पता है बात क्या है रास्ते यहाँ पे ऐसे होते हैं ना उबड़ खाबड़ टाइप्स के तो तुमको जाने में 160 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने में 7-8 घंटे लग जाता है। खैर अभी चाय का मज़ा लेते हुए थोड़ी देर का हॉल्ट किया है उसके बाद वापस जर्नी कंटिन्यू होगी। जी तो चाय का स्वाद और 3 घंटे के बाद एक मच नीडेड ब्रेक से फ्रेश होके वी फाइनली डिसाइडेड टू मूव अहेड। अब यार हिमाचल में ना ये मेरा पहली बार आना था और यहाँ की एक खास बात मैंने नोटिस करी कि तुम जितना ऊपर जाते हो शिमला से कसौल कसौल से मनाली रास्ते उतने ही खराब पर दूसरी ओर ये नज़ारे उससे कई ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं।
खिड़की से जरा बाहर सर निकालते ही नीचे डायमंड ब्लू कलर की ब्यास नदी दिखती है और इस नदी को देखते देखते अपने 7 घंटे की ड्राइव भी कट जाती थी। पर बीच रास्ते में हमारे ड्राइवर जी ने पूछा, यार रुक के फोटोज लेना है क्या? और इस सवाल को हम ठुकरा नहीं सकते। तो देखिए, वाटरफॉल शुरू होते एकदम उस माउंटेन के पीक से होके होके नीचे आता है। यहाँ पर ये मैंने कोई कलर ग्रेडिंग भी नहीं करूंगा इस फुटेज पे, दिस इज जस्ट द क्रिस्टल ब्लू वाटर जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब यार झूठ नहीं बोलूंगा, द मोमेंट आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड स्टेप्ड ऑन टू द एजेस ऑफ द रिवर, वो हवा जो चेहरे को छूकर निकली उसमें मानो कुछ जादू सा था। पता नहीं क्या, पर पिछली रात की आधी नींद और सर दर्द उन कुछ पल के लिए समझो गायब हो गया था। कुदरत के करीब आई फेल्ट ट्रूली अलाइव। मैं शब्दों में बता नहीं सकता भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अब शाम के कुछ 5:30 बज चुके थे और मनाली घुसने के रास्ते में आता है गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। याद है मैंने आपको लॉर्ड मानू के बारे में बताया था? तो यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि उस बाढ़ के बाद लॉर्ड मानू री इनकार्नेटेड हिमसेल्फ एज मणिकरण। पर भाई इधर काफी क्रेजी ठंडी हो चुका है अभी, इट्स लिटरली शिवरिंग भाई, 5-7 डिग्री होगा भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट ऑल आई नो इज दैट मैंने तेरे हाफ शर्ट पहना हूँ बिकॉज राफ्टिंग करते वक्त ऑल माई क्लोथ्स गॉट ड्रेंच्ड, सो वी जस्ट चेंज्ड एंड नाउ इट्स जस्ट मी विद दिस डेकाथलॉन का जैकेट और नीचे कुछ शिट। और आई विल शो यू एन अमेजिंग थिंग। पर इस जगह की सबसे खास चीज है ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स। देख रहे हो कैसे नदी से धुआं उठता हुआ आ रहा है और ये सारा नेचुरल है। हिंदू और सिख दोनों के अपने अपने अलग बिलीफ्स है कि ऐसा क्यों होता है, पर मैं ये पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहा था। 7 डिग्री की ठंड में ब्यास नदी के किनारे गर्म धुआं, और मजेदार बात यह है कि इसी धुएं की मदद से गुरुद्वारे के लंगर में भी खाना बनाया जाता है। तो हमारी मनाली का पहला दिन और आज की ये वीडियो इधर ही खत्म होती है। कल हम जाने वाले हैं सिस्सू विलेज, यहाँ से थोड़ी ही दूरी में, क्योंकि लोकलाइट्स ने हमें बताया कि वहाँ पर स्नो मिलने वाली है। एपिसोड 1 इधर तक ही था। आई होप मेरे इस वीडियो के पीछे के सारे एफर्ट्स आप सबको पसंद आए होंगे, एंड इफ इट डिड ड्रॉप अ लाइक ताकि एल्गोरिदम को भी पता चले कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपके वीडियो का फेवरेट सेगमेंट कमेंट कर देना एंड बाकी तो सब्सक्राइब रहना ताकि व्हेन आई ड्रॉप द एपिसोड 2 आप नोटिफिकेशन आ जाए और आप देखने आ जाओ। बाय बाय।